राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के विषय में ही है। और आज 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार है। और ये जो व्रत है महालक्ष्मी व्रत, ये प्रतिवर्ष भाद्रपद की राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत रखा जाता है। 16 दिनों का ये व्रत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, पावन, पवित्र ये व्रत होते हैं 16 दिनों के। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये व्रत अभी चल रहे हैं और आज 4 तारीख हो गई है और 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को महालक्ष्मी व्रत का समापन है। महालक्ष्मी व्रत ये 16 दिवसीय 16 धागे के 16 गांठों वाले 16 गांठों वाले डोरे की जो पूजा की जाती है, जो हाथ में ये धागा बांधा जाता है। देखिए मेरे अभी ये बंधा हुआ है, ये 1 साल हो गया है। लेकिन ये जब आखिरी दिन होता है, जब महालक्ष्मी व्रत का अंतिम दिन होता है, उस दिन हम इस धागे को निकाल के नया धागा धारण कर लेते हैं और पूरे वर्ष ये धागा बंधा रहता है। आपसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जो अनुभव मैंने अपने जीवन में किए होते हैं और जिन चीजों को मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ उन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो महालक्ष्मी व्रत है वाकई में इतना चमत्कारी, इतना शक्तिशाली व्रत है कि बस इसकी महिमा के विषय में हम क्या बताएं आपको। यदि आपके जीवन में दरिद्रता ने जगह बना ली है, आपके जीवन से गरीबी दूर नहीं होती, आप हजारों तरह के उपाय कर करके परेशान हो गए हैं, आप पंडितों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, आप तरह तरह के उपाय करके परेशान हो गए, तो आप मेरी बात मानिए, इस महालक्ष्मी व्रत को अवश्य कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्चा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने ये व्रत शुरू किया था तो मेरे पास भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन माता की कृपा से मैंने फिर भी व्रत किया। क्योंकि देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास भगवान को जीत लेता है ना, उनके हृदय को द्रवित कर देता है और उनकी कृपा आप पर बरसती। और माँ लक्ष्मी तो माँ है, माँ का दिल तो बहुत ही ममतामयी, बहुत ही कोमल होता है। माँ की तो, माँ के विषय में तो क्या क्या नहीं लिखा है हमारे विद्वानों ने, हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में, कितनी महान महान कथाएं हैं माता के, कितने सुंदर सुंदर वृतांत हैं, उसके विषय में तो जितनी बात की जाए उतना ही कम ही रहेगा, है ना। तो माता बड़ी ही दयालु, बड़ी ही कृपालु होती हैं माता महालक्ष्मी। उनके ये पावन दिन चल रहे हैं, सच कह रही हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दरिद्रता है, आप बहुत प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है और आप हर तरह का प्रयत्न करते हैं किंतु लक्ष्मी आती है और चली जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से बरसती नहीं है, आपके जीवन में अभाव ही रहता है, आज का खाना हो गया तो कल के भोजन की चिंता हो जाती है कि कल का भोजन हमारे घर में कैसे पकेगा, हमारे घर में इतना धन कहाँ से आएगा, किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, जीवन आगे कैसे चलेगा। माता के ये बहुत चमत्कारिक व्रत होते हैं, बहुत चमत्कारी दिन होते हैं। इन दिनों में माता को सच्चे मन से पूजिए। ऐसा नहीं है कि आप इन दिनों में पूजने के बाद फिर आप भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। एक बार जब आप ममतामयी, करुणामयी माता की शरण में आ जाते हैं फिर उनको भूलने की गलती नहीं करनी है। आप अपनी माता को जैसे हम अपनी माँ से
प्रेम करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें अपनी जो जन्म देने वाली माँ से हम जो प्रेम करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें अपनी माता रानी से प्रेम करना चाहिए। तो जो हमारे जन्म देने वाली माँ होती है ना, जैसा हमारी माँ हमसे प्रेम करती है, हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, हम शैतानियाँ करते हैं, माँ हमारी गलतियों को क्षमा कर देती है, वैसे ही ये तो सारे संसार की माँ हैं। जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियाँ होती हैं, हमारी माता महालक्ष्मी, हमारी माँ शक्ति हमारे अपराधों को क्षमा कर देती हैं और हमारे प्रेम को स्वीकार कर लेती हैं। माता को भूलना नहीं होता, ऐसा नहीं आप 16 दिन पूजा करने के बाद फिर माता को भूल जाइए, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। तो देखिए अब बात करते हैं इस व्रत के विषय में कि 2 दिन मात्र बचे हैं, 1, 5 तारीख और 6 तारीख, 2 दिन का व्रत बचा है। तो देखिए जैसे कि 16 दिन का ये व्रत होता है, किंतु बहुत सारे लोग हैं जो एक ही दिन का व्रत रखते हैं, जो अंतिम दिन होता है, अष्टमी का दिन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की, ये जो पितृ पक्ष चल रहे हैं, पितृ पक्ष में जो अष्टमी आती है इसका जो आखिरी दिन होता है, बहुत सारे लोग इसी दिन का व्रत रखते हैं, इसी दिन पूजा करते हैं। तो आपके पास भी समय है, यदि आपने अभी तक नहीं किया इस व्रत को, यदि आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो, माता की कृपा बरसे, तो आप इस अवसर का लाभ उठाइए, आप माता की पूजा कीजिए, व्रत कीजिए। माता बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं, बड़ी दया करती हैं। तो कुछ अब मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ, बहुत ही सरल विधि बताऊंगी मैं, कुछ भी ऐसी कठिन विधि नहीं बताऊंगी जो किसी को भी करना मुश्किल हो। मैं इस प्रकार की विधि बताऊंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी आपको स्पेशल तरीके से कुछ भी खास नहीं करना है, बस आपका प्रेम, आपका भाव, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। माँ सौभाग्य को देने वाली है, माँ दुखों को दूर करने वाली है। तो देखिए जो 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार का दिन है, उस दिन है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अष्टमी का श्राद्ध भी मनाया जाता है उस दिन, और अष्टमी की तिथि भी है। तो आपको करना क्या है, आप पहले तो देखिए आपके पास 2 दिन है, मन में ठान लीजिए कि आपको ये व्रत करना है और आपको माता को मनाना है, आपको उनकी कृपा पात्र बनना है ना। और स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत पूजा को कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल स्त्रियों को ही करना है या केवल पुरुषों को ही करना है, ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को, इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए मन में ठान लीजिए और थोड़ी सी तैयारी करके रख लीजिए, जैसे कि दूर्वा घास या तो पीला कच्चा सूत वाला धागा आप ले लें, नहीं तो आप कलावा ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो 5 रुपए में कलावा मिल जाता है और कच्चा सूत भी मिल जाता है, आप वो लेकर आ जाइए। अगर सफ़ेद रंग का सूत है तो आप उसको हल्दी से कलर कर लीजिए, और दूर्वा घास आपको लानी है, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, दूर्वा घास ले आइए। फूल तो आपको कहीं भी 2-4 मिल ही जाएंगे, प्रयत्न कीजिए गुड़हल गुलाब के फूल मिल जाएं, और यदि आप खरीदना चाहते हैं तो कमल के पुष्प ले लीजिए और गुलाब की माला ले लीजिए, है ना, इस तरीके के पुष्प आप ले लीजिए। और मैं बताऊंगी आपको दोनों तरह से कि आपके पास, देखिए पहले तो आप ये देखिएगा जो जो हम बताएंगे कि आप ये सामान खरीद लीजिए, तो जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो बात उसके लिए नहीं होगी, जिस जो सामर्थ्यवान है, जो खरीद सकता है, ये बात उसके लिए होगी, जो खरीद सकता है आसानी से सामान, वो व्यक्ति उस सामान को खरीदे, किंतु जिसकी सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास सिर्फ श्रद्धा और प्रेम है, उसको आवश्यकता नहीं है खरीदने की, है ना। तो एक तो ये धागा, दूर्वा घास, पुष्प हो गए, अक्षत तो आपके घर में होते ही होते हैं, है ना, और दूध तो देखिए सबके घरों में आता है, और नहीं भी आता है तो आधा किलो दूध लिया जा सकता है पूजा पाठ के लिए, ऐसा नहीं, इतना भी कोई गरीब नहीं होता है, है ना, हम चाय तो पीते ही हैं, अपने खर्चे तो हम करते ही हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करके रखनी है, और अगर हो सके तो आप 16 श्रृंगार का सामान अवश्य ले लीजिए, क्योंकि माता के किसी कोई भी व्रत होते हैं माता के, उसमें 16 श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व होता है ना। तो आप 16 श्रृंगार का सामान अवश्य ही ले लीजिए, और इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, इस तरह से आप ये सामान ले लीजिए, अगर आप संभव हो तो फल ले लीजिए, और मैं तो कहती हूँ 16 केले ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है,
केले का फल भगवान को अधिक प्रिय होता है और 16 की संख्या में आप केले ले लीजिए। नहीं ले पा रहे तो 2 केले भी पर्याप्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनार लेना चाहें, सेब लेना चाहें, अनार भी माता की पूजा में बहुत ही श्रेष्ठ फल माना जाता है, तो आप चाहें तो अनार ले लीजिए और कोई भी मिष्ठान आप चाहें तो खरीद लीजिए, नहीं तो अपने घर में खीर बना लीजिए, है ना, दूध और चावल से खीर बना लीजिए। यदि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो उसमें खूब अच्छे से मेवा वगैरह डाल के, केसर डाल के, इलायची डाल के उसको बनाइए और बहुत अच्छे से प्रातःकाल उठकर नहा धोकर, देखिए ये तो थी पहले से तैयारी करने वाली बातें, अब आपको करना क्या है। तो प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठकर सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना है, नहा धोकर, देखिए नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पीले लाल हरे रंग के वस्त्र आप पहनिएगा, इसके अलावा नीले काले ग्रे सफेद ऐसे वस्त्र आपको नहीं पहनने, लाल हो पीला हो या फिर हरे रंग का वस्त्र हो आप धारण कीजिए, चाहे साड़ी हो सूट हो, है ना, और जिस तरह मतलब जेंट्स लोगों का कुर्ता हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, जो भी हो, इस तरह से नहा धोकर वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद में जो भी आपका मंदिर है, अच्छी बात है, यदि आप अलग से चौकी लगाना चाहते तो एक चौकी लीजिए, वहां पर गंगा जल के छींटे देने हैं, गंगा जल के छींटे, अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल से सफाई कर लीजिए, और उसके बाद में आप चौकी के ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाइए, पीला भी बिछा सकते हैं यदि लाल नहीं है तो, लाल रंग का कपड़ा बिछा कर सबसे पहले पूजा में होती है कलश स्थापना, थोड़े से और कलश स्थापना करने से पहले कलश को हमें आसन देना होता है, चाहे वो पुष्प से दे सकते हैं आप, चाहे तो अक्षत से, अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल, आप चाहे तो उनको कलर कर सकते हैं लाल हरा पीले रंग का, और नहीं तो आप ऐसे ही, पीला क्या है आप चावल में हल्दी मिला लीजिए पीला हो जाएगा, आप नीचे चावल अच्छे से ढेरी लगाइए, उसके ऊपर कलश को रखिए, और कलश जो होते हैं उनमें आप थोड़ा सा गंगा जल और सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, जो भी मीठा जरूरी होता है आप मीठा लीजिए, और उसमें उसको गले तक भर दीजिए, गले तक भरने के बाद उसको एक बर्तन से ढक दीजिए, मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं, लोहे और स्टील का कलश आपको नहीं रखना है, इस तरह के सबसे अच्छा तो मिट्टी का ही है, और नहीं तो जो आपके घर में पीतल तांबे का है उस कलश का इस्तेमाल आप कीजिए। इस प्रकार से उस पर ढक्कन ढक के उसको चावल से अक्षत से भर दीजिए, उसमें भी थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लीजिए, और हाँ जल में हल्दी भी अवश्य डालनी है, और उसमें जो पंच पल्लव होते हैं आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, जो भी हैं आप वो जैसे कलश में लगाते हैं ना सुंदर तरीके से, क्योंकि जो देखिए पूजा पाठ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों में एक क्या कहते हैं उसको, मतलब पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, जो उसका ऑरा बन जाता है, उसकी बात अलग ही होती है, चाहे वो आम के पत्तों से हो और चाहे वो अशोक के पत्तों से हो। तो इस प्रकार से कलश स्थापना कर लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, नारियल में कलाबा लपेट के, चुन्नी लपेट के आपको कलश के ऊपर स्थापित करना है। तो ये तो हो गए कलश देवता जी, वरुण देवता जी, और जो उसके बाद में आपको एक दीप आपको प्रज्वलित अवश्य करना है। देखिए कोई भी पूजा होती है आपको दीप प्रज्वलित करना होता है, तो आप चाहे तो आरती बना के रख लीजिए, चाहे अखंड ज्योत अगर आप क्या हो तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए, और गाय का घी इस्तेमाल कीजिए, गाय का घी यदि नहीं है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एक ज्योत बना लीजिए, वो आप उस ज्योत को भी आसन दिया जाता है, आसन दे अक्षत का दे दीजिए चाहे पुष्प का दे दीजिए, आसन देने के बाद आप दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में उसमें भी आप देखिए आपको पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना है, हल्दी रोली सिंदूर ये चीजें अवश्य ही होनी चाहिए, अगर चंदन है तो अति उत्तम है, चंदन भी रख लीजिए। इस प्रकार से आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित हो गई, आपकी इधर कलश देवता जी आपके विराजमान हो गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो तब की ये बातें बता रही हूँ, अदरवाइज आप मंदिर में पूजा करने हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पहले से ही सब कुछ है, आप कलश स्थापना और अखंड दीप की स्थापना कर लीजिए बस। उसके बाद में आप माता लक्ष्मी की एक मूर्ति
आकृति या फोटो जो भी है आप बोल लीजिए। आप ये मतलब मत सोचिए कि आपको खरीद कर ही लाना है। जब आपके पास खुशी हो, जब आपके पास पैसा हो, जब आपके अंदर उमंग हो, तब आप माता की बहुत सुंदर सी फोटो एक खरीद के लाइए जिसमें दो हाथी माता के दोनों तरफ से जल माता के ऊपर इस तरह से डाल रहे होते हैं। वो वाली फोटो, गज लक्ष्मी माता की फोटो इस पूजा में चाहिए होती है। इसे कहते भी है ना हाथी वाली पूजा, गज लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से माता की मूर्ति या फोटो जो है गणेश जी के साथ विराजित करनी है। देखिए दीपावली पे गणेश लक्ष्मी जी हम लोग लेकर आते हैं ना, वो तो आपके पास होंगे ही, उनको विराजित कर लीजिए और साथ में हल्दी की एक गौरी मैया बना लीजिए। तो गौरी गणेश की स्थापना हो गई, माता लक्ष्मी की स्थापना हो गई। आप पूजन प्रारंभ करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित हो गया है, तो सबसे पहले अखंड दीप को आप जल से जल छिड़किए, हल्का सा छिड़कना है। ये ध्यान रखना है कि दीप प्रज्वलित है तो बंद नहीं होना चाहिए। ऐसी पुष्प लेना है, पुष्प को जल में ऐसे हल्के से टच करना है और आपको ऐसे छींटा देना। उसके बाद हल्दी से टीका लगाइए, रोली से टीका लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, कुछ थोड़ा सा गुड़ हो, कुछ मीठा हो वो चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और उनको प्रणाम कर लीजिए। और हाँ, कलावा लपेटना मत भूलिएगा क्योंकि वस्त्र अर्पित करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में इधर अखंड ज्योति पूजन हो गया, आपने प्रज्वलित कर लिया। अब हम किसका पूजन करेंगे? अब हम करेंगे अपने गणेश भगवान का पूजन। तो गणेश भगवान का पूजन भी ऐसे करना, गौरी गणेश का पूजन साथ में कर सकते हैं। थोड़ा सा जल छिड़कना है और रोली, हल्दी, अक्षत इस प्रकार से लगाने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं, दूर्वा घास अर्पित करनी है और इधर फिर कलश देवता का इसी प्रकार से पूजन करना है। और उसके बाद में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको 16 गांठों वाला धागा तैयार करना है। तो ये धागे के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जैसे धागा है ना, मैं अभी मेरा क्या ना पूजा का सामान मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को, तो इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो हम आपको दिखाते। तो ये जो है ना, ये जैसे एक तार है धागे का, ये देखिए एक तार है, तो इस ये देखिए पास से दिखाते हैं आपको, ये एक तार है ना, तो ऐसे ही आपको 16 तार लेने हैं। 16 तार में 16 तार पूरे ऐसे आपने ले लिए। अब देखिए जैसे ये गांठ लगी हुई है इस तरीके से, ये देखिए पास से दिखाते हैं, ये देखिए गांठ लगी हुई, इस प्रकार से आपको उसमें 16 गांठे लगा लेनी है। ठीक है, आपने 16 गांठे लगा ली और ये धागा अब आप रख लीजिए। अब बात करते हैं कि दूब घास इसमें इम्पोर्टेंट क्यों होती है। एक तो सभी को पता है कि दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है ना, दूसरा गज लक्ष्मी पूजा है तो गज को भी चढ़ाई जाती है, और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो दूर्वा घास होती है उससे हम क्या करते हैं, उसके भी 16 तिनके लेने होते हैं। 16 पौधे, 16 तिनके जो भी बोले आप ले लीजिए, उसमें कलावा लपेट लीजिए और फिर उससे 16 बार आपको अपने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 16 बार महालक्ष्मी माता का नाम ऐसे लेकर अपने यहाँ पर छींटे दीजिए, हाथों पर 16 बार छींटे दीजिए और पैरों पर उसी घास से आपको छींटे देने, पूरे शरीर पर छींटे देने। ठीक है, तो उसके बाद आप इस घास को एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको धागा रखिए सामने। धागा रखने के बाद में आप पुष्प ले लीजिए, पुष्प से धागे पर आप जल छिड़किए और कुमकुम, हल्दी, अक्षत इस प्रकार से इस धागे का पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है। उसके बाद ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ एक दिन की पूजा करते हैं 16 दिनों में, या जो करना चाहते हैं जिनका मन है और कर नहीं पाए किसी कारणवश और अब करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी लोगों के लिए मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने पूरी विधि बताई थी कि प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजा करनी होती है ना। फिर ये जो धागा होता है ना, आपको अपने हाथ में लपेटना है, इस धागे को हाथ में लपेटना है आपको, गांठ वांठ नहीं लगानी, अभी बांधना नहीं है। जब ये धागा आप अपने हाथ में, उसके बाद अब आप माता महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सेम उसी तरह से करना है आपको, जल के छींटे देने हैं, माता को हल्दी लगानी है, रोली लगानी है, अक्षत लगाना है, सिंदूर लगाना है। देखिए गौरी गणेश का पूजन हो गया, कलश देवता का हो गया, अखंड ज्योति जी का हो गया, अब हम माता गजलक्ष्मी महालक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से माता को हमें ये सारी चीजें चढ़ानी है।
उसके बाद जो भी आपने भोग बनाया है, खीर का या जो भी बनाया है, या आप संध्या के समय, देखिए सुबह की पूजा तो आप इस तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन शाम की पूजा आपको नहीं भूलनी है। तो अगर आप मॉर्निंग में खीर का भोग लगाना चाहते तो मॉर्निंग में लगा लीजिए, शाम को लगाना चाहते तो शाम को लगा लीजिए, और दोनों समय लगाना चाहते तो दोनों समय लगा सकते हैं। तो ये आखिरी दिन व्रत के लोगों के लिए बात हो रही है। तो आप इस प्रकार से देखिए, पूजा हो गई, जो भी फल लाए थे हमने माता को भेंट कर दिए, और इस प्रकार से 16 श्रृंगार का सामान भी हमने माता को भेंट कर दिया, और उसके बाद में आप देखिए श्री सूक्तम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र, और जो हमारी दुर्गा सप्तशती होती है उसमें एक पीछे की साइड में, मैं पेज नंबर बता दूंगी आपको, पीछे की साइड में होता है तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। देवी सूक्त का मतलब पाठ आपको पीछे की तरफ ही है, 13 अध्याय जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में ही है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, दुर्गा मानस पूजा वगैरह है वहीं पर है देवी सूक्त। तो आप देवी सूक्त का पाठ कर लीजिए, बहुत ही सुंदर पाठ रहता है, और इस पाठ को करने से माता बहुत प्रसन्न होती है। आप और चाहें तो माला पे आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, और यदि आपको और कोई मंत्र आता है माता महालक्ष्मी का तो आप वो कर सकते हैं, जैसे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी यदि आपको कोई साधारण सा मंत्र आता हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है, माँ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है अपने भक्तों से, है ना। इस प्रकार से माता को मना के उनकी आरती कर लीजिए। कथा अभी नहीं करने को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि संध्या की पूजा बहुत आवश्यक होती है। फिर माता की आरती कर लीजिए इस प्रकार से, देखिए आपने, और संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के लिए आप कुछ नहीं, पुष्प और थोड़े से अक्षत हाथ में ले लीजिए, जल का छींटा दे लीजिए, और आप साधारण भाषा में बोलिए कि मैं माता रानी, मैं आप, मेरा नाम ये है, और मैं गोत्र वगैरह आता हो तो आप उस तरह से बोल सकते हैं, वरना मैं बिल्कुल सिंपल विधि आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रकार से संकल्प ले लीजिए कि माँ मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, और जाने अनजाने में भूल से मुझसे यदि कोई अपराध हो जाए तो आप क्षमा करें माँ, और अपनी इस भक्तिन का, इस बेटी का व्रत पूजा स्वीकार करें माँ, और मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करना चाहती हूँ, अपना आशीर्वाद बना रखें। इस प्रकार से माता के आगे फिर वो चरणों में चढ़ा दीजिए। ये हो गई आपकी पूजा की तैयारी। अब वो धागा आप निकाल के माता के चरणों में ही अर्पित कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पूरा दिन आपको व्रत रखना है। अगर आप बिना नमक खाए नहीं रख सकते, देखिए वैसे तो सारे व्रत ऐसे होते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, है ना, लेकिन होता क्या है कि भाई भी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को कुछ है, किसी को वीकनेस है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, घर के काम होते हैं, हर कोई नहीं इस तरह से व्रत कर सकता है, ना ही इतने ज़्यादा फल और जूस होते हैं सबके पास, तो फिर क्या किया जाए। व्रत तो रखना है, मन तो पूरा करना है, हमें अपनी माता को मनाना है, तो आप चाहें तो सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, मीठे से करना है मीठे से कीजिए, और नमक खाना चाहें तो नमक खा लीजिए। आप मखाने, मूंगफली के दाने, आलू फ्राई करके खा सकते हैं ना, थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से दही के साथ खा लीजिए, और चाय पी लीजिए। इस तरीके से पूरा दिन माता का नाम रटते रहिए और तैयारी करते रहिए। फिर शाम के समय आप देखिए, माता के भोग के लिए खीर अवश्य बनानी है, और पूड़ियाँ बनानी है आपको, और यदि आप बाहर से मिठाई मंगाना चाहते हैं तो बाहर से मंगा लीजिए, लेकिन खीर वगैरह बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। पंचामृत बनाने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप पंचामृत बना सकते हैं। देखिए माता के लिए तो सब कुछ तो उन्हीं का है, तो जितना पंच मेवा के आप कटोरे में डोंगे में भर भर के सजा के तरह तरह की मेवा रखना चाहे तो मेवा रखिए, मिठाइयाँ रखना चाहे मिठाइयाँ रखिए, जो कर सके। और आपको 16 श्रृंगार अगर आप 16 की संख्या में रखना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, और नहीं तो केवल 16 श्रृंगार आप रख लीजिए, और जितना कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से उतना कीजिए, हम तो बस यही कहते हैं। देखिए पहले के समय में राजा महाराजा लोग ये व्रत किया करते थे, है ना, तो उनकी तो वो तो सामर्थ्यवान होते ही थे, उनकी तो बात ही अलग है, सोना हीरा सब कुछ वो कर सकते थे, सब कुछ होता था। आज हम लोग हैं, हम लोगों के पास श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, तो हम अपनी माता को मना रहे हैं, तो जैसे जितना हमारी सामर्थ्य होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कंजूसी नहीं करनी है। यदि आपके पास है तो आप कीजिए, और खूब अच्छे से 16 श्रृंगार करके आप तैयार हो जाइए, अपना मेकअप वेकअप कर लीजिए बढ़िया, और माता के नाम को
बस रटते रहिए, रटते पूरे दिन, जय श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस प्रकार से आप पूरे दिन रटिए। फिर शाम के समय आपको उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया नहा धो के, देखिए दोबारा नहाना है आपको, क्योंकि पूरा दिन आप वॉशरूम जाते हैं, है ना, कहीं काम से जाना है आपको, कुछ छूना है, कोई ऑफिस जाता है या कुछ भी है, शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, लाल पीले हरे रंग के वस्त्र, गुलाबी भी पहन सकते हैं, नारंगी भी पहन सकते हैं, काले नीले ग्रे वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। तो इस प्रकार से अच्छे से तैयार हो जाइए और फिर उसी प्रकार से जो दूर्वा घास होती है उसके छींटे आपको अपने ऊपर अवश्य ही देने, वही 16 तिनके आप लीजिए, उनसे अपने ऊपर भी जल छिड़किए और 16 बार सिर पे, मतलब इतने हिस्से पे 16 बार इतने, और 16 बार पूरी बॉडी पे, इस प्रकार से 16-16 बार माता का नाम लेके आप कर सकते हैं। देही सौभाग्य मारोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम, देही यशो, देही दिशो जय, है ना, इस प्रकार से माता का कोई मंत्र सुंदर सा पढ़ सकते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मैया रानी के मंत्र हैं। तो फिर माता की आप पूजा कीजिए, माता को गणेश जी का पूजन, गौरी मैया का पूजन, कलश देवता का पूजन, अखंड दीप का पूजन, माता महालक्ष्मी का पूजन, गज का पूजन, भाई गज की पूजा तो करनी ही करनी है। अगर आपके पास हाथी हैं तो रख लीजिए, नहीं है तो उनकी भावना कर लीजिए, वरना जो पुस्तक होती है उस पे तो छपे ही होते हैं हाथी, तो इस प्रकार से उनका पूजन आपको करना है और जल छिड़कना है, हल्दी, रोली, सिंदूर, चंदन सब कुछ माता के लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, दूर्वा घास जो है वो गज को चढ़ाइए, गणेश जी को चढ़ाइए, इस प्रकार से पुष्प की माला चढ़ाइए और पंचमेवा चढ़ाइए, भोग लगाइए, खीर पूड़ी सब्जियां भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भोग तो भोग होता है, तो भोग में आप सब्जियां भी, अरबी की सब्जी माता लक्ष्मी को भोग में लगाई जाती है, तो आप वो बना लीजिए, सीताफल बना लीजिए और कच्चे केले की सब्जी बना लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां होती है वो भी बना लीजिए, कचौड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी, पूरा भोग तो भोग है, देखिए ऐसा नहीं है, मीठा अवश्य होना चाहिए, बस इतना कहा जाता है कि मीठा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से आप सारी चीजों का माता को भोग लगा कर रखिए और 16 श्रृंगार अगर हो सके तो उसमें वस्त्र जैसे साड़ी है, ब्लाउज है, ये सब चीजें भी रख लीजिए और माता को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी करते हैं, माता के जो गहने होते हैं बेसन को, क्या बेसन में थोड़ा सा मीठा डाल के उसको गूंथ के और माता के गहने भी बनाते हैं, तो जैसे मांग टीका, नथ है, कान के हैं, गले का है, चूड़ियाँ, पायल, बिछुआ, कमर का, इस प्रकार से बहुत सारे लोग बनाते हैं। यदि आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद माता की कथा पढ़ लीजिए, हाथ में थोड़े से अक्षत वगैरह लेकर, सिंदूर आदि माता को चढ़ाकर, सारा कुछ माता को भोग में लगाकर आप कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद में आपको वही धागा लपेट लीजिएगा, लेकिन पूजा करते समय मैं बताना भूल गई, फिर से बता रही हूँ, जो भी आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है तो ये धागा आपको लपेट कर ही करना है। फिर कथा पढ़ने के बाद में माता की सुंदर अच्छे से आरती उतार लीजिए, ओम जय लक्ष्मी माता, यही वाली आरती है, बहुत सुंदर तरीके से माता की आरती करके बस आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है। माता को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, जो भी कामना हो कीजिए और एक बात अवश्य कहिए कि माँ अगले वर्ष 2024 में जब आपके महालक्ष्मी व्रत और पूजा आए तो आप मुझे ये सौभाग्य देना कि मैं आपकी पूजा इससे भी सुंदर तरीके से करूँ, पूरे पूर्ण भाव, श्रद्धा और प्रेम के साथ। इस प्रकार से आप माता की पूजा कीजिए और आज की वीडियो का मेरा यही उद्देश्य था, वीडियो काफी लंबा हो गया है, कि एक दिन बाकी है, अगर आप करना चाहते हैं, मैया को मनाना चाहते हैं, जीवन के दुखों से उबरना चाहते हैं, इस दुख की काली घटा से निकलकर अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो माता महालक्ष्मी को मना लीजिए, एक दिन ही काफ़ी होता है, बस भाव, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए आपका और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज की मेरी वीडियो का यही उद्देश्य था, आशा करती हूँ आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो इतनी सी भी पसंद है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी उपयोगी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।